फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है द असामीज कमांडर हु हैंडेड औरंगजेब द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन हिज लाइफ। कमाल है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमने उसे आज तक नहीं देखा, पता नहीं आदमजाद है या अफवाह, परंतु बहुत से लोगों ने हमसे फरमाया कि उन्हें हैंगडांग की सुनहरी चमक दिखी है। गुप्तचर ने बादशाह से कहा। क्रोध से औरंगजेब के बड़े बड़े नेत्र लाल हो उठे, उनमें रक्त उतर आया। उसने क्रोध में भर के गुप्तचर से पूछा, अब ये हैंगडांग क्या है सिपाही? बादशाह, ये एक तलवार यानी कि शमशीर का नाम है। लाचित यही शमशीर लेकर हमारी सेना पर मौत के फरिश्ते की तरह टूट पड़ता है। राजा चक्रध्वज सिंघा ने उसे यह शमशीर तोहफे में दी थी। लाचित आखिर है क्या? आदमजाद है या रूह, या इन हिंदुओं के देवता सच में होते हैं जो हाथों में जादुई शमशीर लेकर दुश्मनों का कत्ल करते फिरते हैं? औरंगजेब लगातार मिलने वाली पराजय से झल्ला गया था। लाचित कोई देवता नहीं है बादशाह, वो आदमजाद ही है। अहोम फौज का सिपह सलार है वो। दूसरे सिपाही ने तपाक से उत्तर दिया। अच्छा, अगर वो आदमजाद है तो वह मरेगा भी, औरंगजेब ने धीरे से बोला। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं अनटोल्ड हिस्ट्री के एक नए अंक के साथ। तो कौन था यह योद्धा जिसने औरंगजेब को इतना व्यथित और भयभीत करके रखा था? उत्तर है लाचित बुरफुकान। हमारे असम के दर्शकों के मुंह पर एक नैसर्गिक मंदहास आ चुकी होगी, परंतु बाकी के दर्शकों में से बहुत कम ही इस नाम से परिचित होंगे। तो आइए आज आपका परिचय करवाते हैं भारत के सबसे महान सेनापतियों में से एक और औरंगजेब के पूर्व दिशा के अभियान को धूल धूसरित करने वाले लाचित बुरफुकान से। पर पहले बात करते हैं अहोम वंश की और उस वंश में उत्पन्न प्रताप सिंघा नाम के एक यशस्वी राजा की। प्रताप सिंघा काफी दूरदर्शी थे और वे इस तथ्य से भली भांति अवगत थे कि राज्य के कुशल संचालन के लिए अलग अलग मंत्रालयों की आवश्यकता थी। उनसे पहले तक बुरहा गोहेन, बोर गोहेन तथा बोर पात्रा गोहेन नाम से तीन मंत्रालय थे। उन्होंने इस सूची में दो नए मंत्रालयों की स्थापना की जिनके नाम बोरफुकन और बोर बरुआ रखे गए। इन पांच मंत्रालयों को सम्मिलित रूप से पंचपात्र मंत्री कहा जाता था। बोरफुकान और बोर बरुआ कालीबोर नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटों को संचालित करते थे, वहीं बुरहा गोहेन नदी के उत्तरी तट का संचालन करते थे। बोर गोहेन के हाथ नदी के दक्षिणी तट के संचालन का कार्य था, तो वहीं बोरा पात्रा गोहेन दफाला पहाड़ियों से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के क्षेत्र का संचालन करते थे। दूरदर्शी प्रताप सिंघा का राज्य अनेक दूरदर्शी मनुष्यों से भरा हुआ था और उन्हीं में से एक थे सुकुति। अत्यंत निर्धन परिवार में पैदा हुए सुकुति छोटे मोटे कार्य कर अपना जीवन यापन करते थे, परंतु वे जो भी करते थे वे बड़े ही अभिनव यत्नों से तथा पूरी दक्षता के साथ करते थे। उनके कार्य कुशलता की कथाएं प्रताप सिंघा तक पहुंची और स्वयं अवलोकन करने के बाद राजा ने उन्हें बार तमूली अर्थात राज्य उद्यानों का अधीक्षक घोषित कर दिया। सुकृति के स्नेहपूर्ण प्रवृत्ति ने उन्हें मुमाई यानी असामी भाषा में कहें तो मामा की उपाधि दिलाई और उनकी आधिकारिक पदवी के कारण वे मुमाई तमूली के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुमाई तमूली एक महान योजनाकार थे और अद्भुत योद्धा। अहोम राज्य के असुरार अली के साथ हुए अनुबंध में उनका योगदान अप्रतिम था। मुगल उनके चातुर्य और वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यह तक कह डाला कि यदि अहोम राजा देवाधिदेव भगवान शंकर हैं तो तमूली उनका नंदी है और जब तक ये दोनों एक साथ हैं ये अपराजेय है। तो यह स्वाभाविक ही था कि ऐसे विलक्षण व्यक्ति की संतान भी उतनी ही विलक्षण हो। तमूली का पुत्र आगे चलकर शक्तिशाली मुगलों की शक्ति के घमंड को चकनाचूर करने वाला था और साथ ही भारत के इतिहास के प्रमुख वीरों की सूची में अपना नाम अग्रिम पंक्ति में लिखवाने वाला था। लाचित बोरफुकान मानव शास्त्र में दक्ष थे, हिंदू शास्त्रों में निष्णात थे और एक विलक्षण सेना नायक थे। लाचित कालांतर में सोलाधर बरुआ के पद पर आसीन हुए, फिर अश्वशाला के प्रमुख अधीक्षक और अंततः राजा चक्रध्वज सिंघा के द्वारा अहोम सेना के सेनापति घोषित किए गए। परंतु अहोम राज्य के नक्षत्र संभवतः अशुभ स्थिति में थे। 13वीं सदी से निरंतर उन पर आक्रमण हो रहे थे
उन्होंने 17 बार आक्रमणों का डटकर प्रतिरोध किया, परंतु मीर जुमला के नेतृत्व में उन पर एक ऐसा आक्रमण हुआ जिसे वे रोक ना सके। अहोम सेना को पराजय का मुख देखना पड़ा और उनके ऊपर एक लज्जाजनक संविदा थोप दी गई। अहोम राज्य को क्षतिपूर्ति के रूप में 3,00,000 मुद्राएं देनी पड़ी। गुवाहाटी से लेकर मानस नदी तक का क्षेत्र मुगलों ने अधिग्रहित कर लिया, परंतु जो सबसे लज्जाजनक बात थी वह यह थी कि 2 अहोम राजकुमारियों को मुगलों के हरम में मुगलों के भोग विलास के लिए भेज दिया गया। कभी समृद्ध और गौरवशाली रहा अहोम साम्राज्य लज्जा के धूल में लोट रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में एक हर्षप्रद समाचार ने राज परिवार का आलिंगन किया। माँ कामाख्या के आशीर्वाद और लाचित बोरफुकन के नेतृत्व कौशल के परिणाम स्वरूप अहोम सेना ने मुगलों को अपनी भूमि से खदेड़ने में सफलता प्राप्त की। लाचित ने मुगल सेना के नियंत्रक और हजारों मुगल सिपाहियों को बंदी बना लिया। बारगोड़ा का महल और सुरकेश्वर पहाड़ जीते जा चुके थे। गुवाहाटी मुक्त थी और उनके राज्य का पश्चिमी भाग फिर से उनका था। राजा चक्रध्वज के हर्ष की कोई सीमा न थी। उन्होंने लाचित को राज्य की राजधानी में आने का निमंत्रण दिया ताकि उनका सम्मान किया जा सके, परंतु लाचित ने सविनय उनकी बात टाल दी ताकि मुगलों के प्रत्युत्तर को रोकने की तैयारी की जा सके। लाचित अपने क्षेत्र को सुदृढ़ करने में लगे थे। एक रात के विश्राम के पश्चात सेना पुनः युद्धाभ्यास में लग गई। राजा चक्रध्वज लाचित से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें एक अद्भुत तलवार भेंट भिजवाई। इसे ही हेंगडांग के नाम से जाना गया और इसके वर्णन मात्र से मुगल थर थर कांपते थे। लाचित ने मुगलों को अहोम भूमि से खदेड़ने का अति दुष्कर कार्य गुरिल्ला युद्ध नीति और मनोवैज्ञानिक उपक्रमों से सिद्ध किया था। रात के अंधकार में सिंहनाद करती सेना दिन के प्रकाश में शांत खड़ी सेना से ज्यादा भयानक प्रतीत होती है। लाचित की सेना ने रात्रिकाल में ही मुगलों पर चहुं ओर से आक्रमण कर दिया, जिससे शत्रुओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि लाचित के पास उनके अनुमान से कहीं अधिक सेना है। प्राणों को संकट में देख मुगल अपने तोप छोड़कर भाग खड़े हुए। अहोम सेना में उत्साह की मानो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, पर इन सब से इतर लाचित दूर एकाकी खड़ा था और आने वाले युद्ध के प्रतिरोध के लिए योजनाएं बना रहा था। वो युद्ध जो विश्व के सबसे महान युद्धों में एक गिना जाएगा। उसे भली भांति ये बात पता थी कि लड़ाई उसने अवश्य जीत ली है, परंतु युद्ध अभी भी बचा है। उसे यह भी ज्ञात था कि मुगल अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रत्युत्तर देंगे। उसने अपनी सेना को वापस एकत्रित होने का निर्देश दिया और युद्ध के लिए तत्पर होने का आदेश दिया। लाचित और उनकी सेना ने शत्रु को पराजित करने के लिए आश्रय लिया असम की पुण्य भूमि का। मुगलों के प्रवेश के मार्ग अवरुद्ध करने के लिए उन्होंने प्रवेश के सारे द्वारों पर तटबंधन कर दिया और साथ ही बड़ी बड़ी प्राचीरें भी बनवा दी। ऐसे ही एक प्राचीर के निर्माण का कार्य चल रहा था। प्राचीर महत्वपूर्ण थी और अवधि कम, इसलिए कार्य पूरी रात चलना था। निर्माण के निरीक्षण का कार्य अपने मामा को सौंपकर लाचित दूसरे क्षेत्र का निरीक्षण करने चले गए। जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि कार्य ठप पड़ा है। जब उन्होंने अपने मामा से इसका उत्तर मांगा तो उन्होंने बताया कि वे थक के बेहाल हो गए थे, इसलिए प्राचीर निर्माण का कार्य स्थगित करना पड़ा। आलस्य और कर्म की उपेक्षा से ओतप्रोत इस कृत्य से लाचित क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने ही मामा का सिर धड़ से अलग कर दिया और चीख कर कहा, मेरा मामा मेरे राष्ट्र से बढ़कर नहीं। सेना को संदेश मिल गया और प्राचीर उसी रात बनकर तैयार भी हो गई। मुगल सेना ढाका से होते हुए असम तक पहुंची। उस सेना में 30,000 अश्वरोही योद्धा, 15,000 धनुर्धर, 18,000 तुर्की घुड़सवार, 5,000 गनर, 1,000 से अधिक तोप, हजारों पैदल सिपाही और नावों की एक विशाल सेना थी। परंतु लाचित ने गुवाहाटी में अनाक्रमणीय व्यू बना रखे थे और उनकी सेना मद बहाते हुए विशाल गजराजों की सेना की सी उन्मत्त थी। परंतु लाचित को पता था कि खुले युद्ध क्षेत्र में अहोम सेना मुगलों के आगे टिक नहीं सकती थी। सरायघाट के पास ब्रह्मपुत्र अपने सर्वाधिक संकरे रूप में थी। लाचित ने इसे ही युद्ध क्षेत्र के रूप में चुना। लाचित की सेना सरायघाट पहुंची और फिर हुआ एक महान और रोमांचकारी संग्राम। दिग्दिगंत रणोन्मत्त सेनाओं के आपस के टकराव से गुंजायमान हो उठे। मुगलों को यह समझ आते बहुत विलंब नहीं हुआ कि वे लाचित के अकाट्य व्यूह में फंस गए हैं और यहाँ रहकर वे बस अहोम सेना के तलवारों से ताजा सब्जियों की भांति काटे जाएंगे। मुगल सेना के हाथ पांव उखड़ने लगे। अब उन्होंने आश्रय लिया अपने जलपोतों का, जो देखने में तो विशाल थे परंतु थे बहुत निर्बल। मुगलों के पास संख्या बल था और उन्होंने अपना सर्वस्व सरायघाट के युद्ध को जीतने में न्यौछावर कर दिया।
उन्होंने और जलपोत भी मंगवाए। निरंतर बढ़ते जलपोतों को देख असम की सेना भयाक्रांत हो उठी और लड़ने का साहस हार बैठी। लाची तब तक गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और उन्हें एक शिविर में ले जाया जा चुका था। जब उन्हें अहोम सेना के स्वयं पर अविश्वास का समाचार मिला तो वे एक नाव में बैठ अपने साथ 7 नाव लेकर युद्ध क्षेत्र के तट पर पहुंचे। वहां जाते ही उन्होंने सिंहनाद किया और अपनी सेना को यह शब्द कहे, तुम लोगों को रण छोड़कर पलायन करना है तो निःसंदेह करो, परंतु जाके राजा को बोलना कि उनका सेनापति लाचित आखिरी श्वास तक और रक्त की आखिरी बूंद तक मुगलों से लड़कर वीरगति को प्राप्त हुआ। लाचित के इन वीर वचनों से अहोम सेना में मानो नवजीवन का संचार हुआ और वे सिंह के भांति शत्रु दल पर टूट पड़े। अहोम सेना की छोटी छोटी नौकाएं मुगलों के बड़े बड़े परंतु नियंत्रित करने में कठिन युद्ध पोतों को डुबाने लगी। सरायघाट के उस विकराल युद्ध में मुगल पराजित हो चुके थे। अहोम सेना ने औरंगजेब के मुंह पर कालिख पोत दी थी। लज्जा के मारे सारे मुगल भाग खड़े हुए। इस युद्ध के एक वर्ष के उपरांत लाचित बोरफुकान की मृत्यु युद्ध में ही लगे घावों से हुई। इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने पलटकर फिर पूर्व की ओर नहीं देखा, क्योंकि काल दंड की तरह भुजाओं में हेमडैंग धारण करने वाला यमराज सदृश लाचित जो बैठा था और उसके पीछे थी उसकी वीर सेना। लाचित बोरफुकान का शौर्य अपरिमित था, साहस महान और रणकौशल अद्वितीय। असम का बच्चा बच्चा लाचित की वीरगाथा से परिचित है, परंतु शेष देश में लाचित बोरफुकान लगभग एक अज्ञात नाम है। साल 2000 में असम राज्य ने राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के बेस्ट पासिंग कैडेट के लिए लाचित बोरफुकान स्वर्ण पदक की घोषणा की थी। ये थी कहानी अहोम राज्य के पराजय और पुनरुत्थान की, औरंगजेब के मान मर्दन की, सरायघाट के महान युद्ध की और कहानी अपराजित योद्धा लाचित बोरफुकान की। ऐसी ही कहानियां लेकर आता रहूंगा मैं आपके बीच अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों के साथ। तो फ्रेंड्स, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। स्टोरी क्या रियलिटी है हिस्ट्री में हमारी, और सच्ची में जैसे वो कह रहे हैं ना कि हमने उन असम में लोगों को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, वो अच्छी बात है कि उन्होंने अपने जो हैं अपने हीरोज वो भूले नहीं, पर जो हम लोग थे नॉर्थ में बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में हमने तो कभी सुना भी नहीं है, हमें कहां से पता चलेगा। और इतना अमेजिंग दिखाया उनको कि उन कितने ब्रेव थे कि लास्ट ब्रेथ तक मरने को भी तैयार थे और वापस घायल हुए हुए थे, घायल होते हुए भी जब पता चला कि वहां पे जो हमारी आर्मी है वो जो है भागने की तैयारी में लगी हुई है, उनका मनोबल बिल्कुल खत्म हो गया है, तो वो उस टाइम भी गए और उन्होंने कहा कि अगर तुमको भागना है तुम भाग जाओ पर मैं लड़ूंगा अपनी लास्ट सांस तक। तो उनमें भी जोश आया, उन्होंने फिर पूरी अपनी ताकत से कि हमने भी हम लड़ेंगे मरेंगे पर पीछे भागेंगे नहीं, और उन्होंने हराया। तो दिस वॉज अमेजिंग, ये तो पता होना चाहिए कि, और साथ में इन इन वीडियो से इन स्टोरी से पता चलता है कि मुगल एक्चुअल में कितने गंदे थे। जैसे ऐसे बताया कि प्रिंसेस को उठा के ले गए, देखो तो सही इतना कोई कौन कर सकता है, ऐसी गंदी हरकतें, दिस इज डिस्ग्रेसफुल। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए थी, ये चीजें नहीं बताई गई, पर इनकी ब्रेवरी वॉज जस्ट अमेजिंग। और जिस तरह से उन्होंने लास्ट तक लड़े और उसकी वजह से जो वो घायल हुए थे उसी वजह से वो कह रहे हैं कि एक साल बाद उनकी डेथ भी हो गई, कि इतना मतलब मेजर उनके ऊपर जो थे घाव थे कि वो एक साल तक स्ट्रगल करते रहे पर इवेंचुअली उनको उनकी डेथ हो गई, पर बहुत ही अमेजिंग था, मतलब कितने ब्रेव। राइट, अब इसमें यही है कि हिस्ट्री बुक्स में ये सब कवर क्यों नहीं हुआ। हिस्ट्री बुक्स में पूरा चैप्टर होना चाहिए असम के बारे में, पूरा एक चैप्टर होना चाहिए हिस्ट्री बुक्स में, वहां के फाइटर्स के बारे में एक डेडिकेटेड चैप्टर होना चाहिए कि कैसे मुगलों को हराया था असम में, ये लो चैप्टर। उसे बच्चों के एग्जाम देना चाहिए, लचित का हर एक को पता होता अगर बुक में हम पढ़ते। बुक में हमने नहीं पढ़ा, मुगल को ज्यादा पढ़ते थे, मुगल को ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि लचित के बारे में कुछ नहीं था, होना चाहिए था बुक के अंदर, क्लियर करना चाहिए ताकि इन्वेडर बाहर से आए, इन्वेडर यहीं टिक गए, उन्होंने ऐसे अब्यूज किया लोगों को, और उसके बाद कैसे उनको हराया गया उस पर फोकस करिए, कौन कौन उठा, उसने कैसे हराया, कैसे इंडिपेंडेंस हुई, और ब्रिटिश आने से पहले कैसे उनकी हालत बुरी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट उनमें कोई पावर नहीं थी, और फिर ब्रिटिश आ गए वो बात अलग है, मगर जब तक ब्रिटिश आए थे तब तक ऑलमोस्ट मुगल एम्पायर को पूरा खत्म कर दिया था। किस किस ने खत्म किया था,
एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि मराठा एम्पायर के बारे में बात करते हैं, वहां पे सिख एम्पायर के बारे में बात करते हैं, मगर असम के बारे में बात करनी चाहिए, जहां जहां पर भी रिवोल्ट हुए थे और जहां उन्होंने मुगलों को हरा दिया था उनके बारे में अलग अलग चैप्टर्स होने चाहिए। हर चैप्टर में कि ऐसे मुगलों को हरा, यहाँ पे इसने हरा, अब आप इंडिया का मैप दिखाते हैं, इस जगह पूरे मुगल खत्म हो चुके हैं, अब फिर ब्रिटिश आ रही है वो बात अलग है, मगर पहले खत्म हुआ एक का हिसाब किताब जो इतने साल पहले से आके यहां रुक गए थे, इन्वेडर थे, इन्वेडर को इन्वेडर ही बोलना पड़ेगा चाहे कुछ हो। अगर हमारे यहाँ पे लोगों ने कुछ रूल किया हो तो बात अलग है, मगर अगर कोई इंसान इंडिया से बाहर से आता है और वो भी मतलब अपनी आर्मीज लेके आता है फाइट करता है तो वो इन्वेडर है, आप उसे कुछ नहीं कर सकते। और जो है मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री बुक्स की फॉल्ट है, हिस्ट्री बुक्स में ये सब चीजें आनी चाहिए जिससे बच्चे बच्चे को पता हो कि क्या हो रहा है। बड़े बड़े स्टैचूज होने चाहिए, बड़े बड़े म्यूजियम्स होने चाहिए, जगह जगह जाएं, आपको पूरी हिस्ट्री को रीराइट करके सही हिस्ट्री दिखानी पड़ेगी अपने पर्सपेक्टिव से, राजा के पर्सपेक्टिव नहीं। बहुत लोग यही पॉइंट को रेज करते हैं कि आपने जो हिस्ट्री बुक लिखी है वो राजा के पर्सपेक्टिव से लिखी है, जबकि आपको लिखनी चाहिए जो लोग वहां पे रहते हैं उनके पर्सपेक्टिव से, जो जनता है उनकी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ये जनता का राज है, तो जनता अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखे कि हम ऐसे बैठे थे, बाहर से लोग आए, हमारे पे क्या हुआ, फिर हम कैसे फाइट बैक किए और कैसे अपने इन चीजों को जीते हैं। अब हो रहा है क्योंकि मोदी जी ने बोला भी है कि बनाया है कि आपने बताओ अपने थॉट्स शेयर करो कि सिलेबस में आप क्या चाहते हो, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या हिस्ट्री में आप पढ़ना चाहते हो, वो सब आप शेयर करो, क्योंकि चेंजेस आएंगे। कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री बताओ मुझे कि कॉमन मैन को क्या करना पड़ा, बाहर से कैसे लोग आए और कैसे कॉमन मैन और कॉमन मैन का जो लोकल लीडर था उसने कैसे उसको हराया। बिल्कुल, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।